गाइस चाइना में सबसे बड़े मॉल्स जो हैं वो लोटस के हैं, और अभी मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कैसा मॉल है। चले मेरे साथ, एंट्रेंस चेक करें जरा मॉल की। ऐसे ही खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट अली मुराद और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ लोटस मॉल में, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। काफ़ी कमाल का मॉल है और चाइना में काफ़ी बड़े बड़े लोटस मॉल्स हैं। और अभी हूँ मैं शंघाई में, शंघाई का मॉल आपको दिखा रहा हूँ। इनकी ब्रांचेस हैं शंघाई में, पता नहीं कितने इस तरह के मॉल्स होंगे। और इनका जो प्राइस है, ये क्लेम करते हैं चाइना में सबसे चीप प्राइस ये देती हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, हमारे मुल्क में जो हम चीज़ें खरीदते हैं उधर इतने ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं जितने कि आपको चाइना में नज़र आ जाएंगे। जैसे कि इंटरनेशनल जो मॉल्स होते हैं उनमें सिर्फ इंटरनेशनल किस्म के होते हैं आइटम्स वगैरह, लेकिन इधर हमें देखने में आ रहा है सारा कुछ इनके पास अवेलेबल है। इंटरनेशनल के साथ साथ चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट पे यकीन करते हैं, इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं, अपनी चीज़ पे ये अपना गुजारा करते हैं। तो गाइस ये चीज़ें थी जो इनको बनाती हैं एक अजीम कौम। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये ह्यूज मॉल, और जहाँ से सारी दुनिया की चीज़ें एक रूफ के नीचे आपको मिल जाएंगी। इस तरह के मेरे ख्याल में 100 के हिसाब से चाइना में शंघाई में मौजूद हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। रंग बिरंगे इधर लगे हुए हैं फ्रूट्स, और कोई भी फ्रूट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और ये देखें, सबसे अच्छे फ्रूट्स जो के हैं 6 युआन का, मसलन के 120-130 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, काफ़ी कमाल के फ्रूट्स हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये है इनका ड्रैगन फ्रूट, ये हमने कभी नहीं देखा और ना ही हमने कभी खाया। से स्टार्ट होती हैं फिशेज, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिशेज हैं, और आप लोगों को क्रैब भी मैं दिखाने वाला हूँ। गाइस ये देखें, क्रैब्स वगैरह है इनके पास, और ये है ओस्टर वगैरह। इधर से सारा हो जाता है फिश का शुरू, रैक वगैरह। अभी मैं दिखाता हूँ आपको फिशेज भी, काफ़ी डिफरेंट काइंड्स की हैं और जो बनाती हैं इसको कमाल का। ये देखें जी, श्रिंप्स वगैरह भी ताज़े पड़े हैं, ताज़े श्रिंप्स। और इनके अलावा ये मछली है डिफरेंट काइंड्स की, ये है जी रहू। इसका मुझे आइडिया नहीं है ये कौन सी मिट्टी की है। श्रिम्स छोटे छोटे, ये भी फिश, ड्राइड फिश, ड्राइड श्रिम्स, ये पता नहीं क्या है, ये भी श्रिम्स हैं ड्राइड, आई डोंट नो दिस। और ये देखें फिश, ड्राइड फिश। तो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड में देखें ज़रा, पम्पकिन कमाल के पम्पकिन है, और इनके पास जो पम्पकिन है वो है 6-7 किस्म के। ये देखें पम्पकिन, ये सारे पम्पकिन पड़े हुए हैं ना, तो कमाल के पम्पकिन्स हैं। ऐसे ही इनके पास यहाँ पे भी वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी किस्में हैं, चॉइसेस बनाई हुई हैं कि आप ने अगर पैकिंग वाले लेने हैं अच्छी क्वालिटी के वो ले सकते हैं नॉर्मल। और उसके बाद ये अदरक देखें, ऐसे ही ये पता नहीं मुझे क्या लगता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, होगा कमाल का होगा, हर्ब वगैरह हैं। और प्याज इनके पास है 2-3 किस्म के, ये देखें प्याज, और ऐसे ही ये दूसरा प्याज है देखें जो हमारे।
गाइस मैंने एक चीज़ नोट की है जो चाइना में मुझे पहली बार देखने को मिली है, और वो है ड्राइड बतख, और उसके अलावा है ड्राइड चिकन, जो मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा, सिर्फ चाइना में देखा है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी पैकेजिंग में आ रही है ड्राइड बतख, जो कि है 400 ग्राम की पैकेजिंग में। तो ये सारी 400 ग्राम की पैकेजिंग है। अच्छा, चाइना में जो है ड्राइड मीट भी मिलता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये डक्स वगैरह हैं और इनके लेग पीस वगैरह हैं, सारे पड़े हुए हैं, काफ़ी ऑयली है। और ये देखें ज़रा, हमारे नहीं है और ना हमने कभी देखा है ये ऐसे ड्राइड। ये देखें जी, मेंढक फ्रॉग। तो हाँ जी, किसने खाना है फिर फ्रॉग? चलें खाएं फिर, ज़रा ट्राई करें। मैं तो नहीं खा सकता, जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप ये भी करते हो ट्राई, वो भी करते हो ट्राई, तो उनको ही खिलाऊंगा जब आएंगे ना वो, तो उन्हें बना के खिलाऊंगा, बताना भी नहीं है। ये है इनका मिल्का रैक, और काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है दूध इधर भी। आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डेयरी प्रोडक्ट, और अगर किसी मॉल में हम आए और डेयरी प्रोडक्ट का जिक्र ना करें तो ये है उसके साथ जुल्म। काफ़ी फेमस से ब्रांड भी पड़े हैं इधर चीज़ के, और चाइनीज़ मेड चीज़ भी पड़ा है इधर से, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे ही चीज़ मिलेंगे आपको। और जो मेरे वालिद साहब थे वो लेके आते थे कुवैत से ज़िबन, और काफ़ी टाइम हो गया ट्राई नहीं किया। ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा 25 युआन का, और इसको बोलते हैं ज़िबन। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यह कैंडीज़ के रैंक काफ़ी बड़े हैं, और मैं वॉक भी करता हूँ इधर, आपको दिखाता हूँ, हर किस्म के यहाँ पे मौजूद हैं। ये केक जो है ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, और मैं स्नैक्स लेता हूँ इधर से, हर किस्म के इधर स्नैक्स मौजूद हैं, काफ़ी कमाल का टेस्ट है इनका। गाइस ये देखिए आप लोग, चाइनीज़ ड्रिंक्स, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में चाइनीज़ ड्रिंक्स पड़ी हैं, और जिसने भी लेनी है उसको तो आपको पता है कि चाइनीज़ तो आती कोई नहीं है, तो कैसे सिलेक्ट करेगा, ये थोड़ा सा मसला है। लेकिन अगर आपने ब्रांड्स की लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि उसका भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, किसी पे लिखा होता है इंग्लिश में भी और किसी में नहीं लिखा होता, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्प्राइट पड़ी है, स्प्राइट, उसके बाद कोका कोला एंड फेंटा जैसे भी है, सारी कोक्स के टीन पड़े हैं, लेकिन इन पे राइट है जी चाइनीज़। तो ये देखिए जी कोका कोला, और चाइनीज़ में ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये थोड़ा सा मसला है, बाकी तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। चाइनीज़ में कोका कोला कहते हैं खला, तो ये लफ्ज़ आप लोगों ने याद करना है, आपको आज नया सिखाया है ये वर्ड। दाल के सेशन में, और इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है कमाल की साफ़ सुथरी चीज़ें हैं इनके पास, और आप बगैर किसी टेंशन के डाल सकती हैं। और ये बोलते हैं इसको यूमी, यानी ये चॉप किया हुआ है उसको, छली को, कॉर्न को, और ये मिक्स की हुई है, कोई पता नहीं आइडिया नहीं है इसमें क्या क्या मिक्स है। मेरे पीछे है ये मॉल्स में ही खाने पीने का है सामान सारा, और सबसे अच्छी बात ये है कि जी ये पंजे भी खाते हैं मुर्गी के, और
शर्म नहीं महसूस करते, ड्राइड भी आते हैं इनके। आज मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि चाइना में क्या चीज़ है, कितने तक की तकरीबन मिल जाती है। कोई नॉर्मल रेट है, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी कंट्री है पाकिस्तान के हिसाब से, तो टैक्सेस ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेड चीज़ों पर ज़्यादा टैक्सेस हैं। जैसे कि लिप्टन की टी हो गई, हमारे पाकिस्तान में मिलती है तकरीबन वो 100 रुपये का एक पैक मिलता है, वही इधर से कोई 400 रुपये का मिलता है। यानी जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उन पर टैक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाता रहूँ।